बीप। करो आगे, करो फर्जानी, फर्जानी है। बेसिकली राफ्टिंग यहाँ का जो है, आई वॉन्ट टू प्रमोट इट एज अ फन राफ्टिंग। दो दो काम हो गए, एक तीर से दो निशाने हो गए, हमारे वोटर्स जो हैं वो भी जागरूक होंगे और हमारा एडवेंचर टूरिज्म जो है वो भी प्रमोट हो गया। राफ्टिंग के रोमांच के साथ वोटर्स को अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम था। राफ्टिंग का तो जो रहा हमारा, और साथ में वोटिंग का बताया उन्होंने कि सबके लिए वोट देना जरूरी है। भले के लिए सोचना है तो हमें कोई नेता, पढ़ा लिखा नेता चुनना चाहिए। GDC के विद्यार्थी हैं, कुछ टीचर्स हैं, हमारी टीम आई है जो यहाँ पे राफ्टिंग के लिए ट्रेन करी, और मेरे ऑफिसर्स बहुत सारे, ये नौजवान ऑफिसर्स आप देखेंगे ये सब आज आए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ना केवल वोटर्स को प्रोत्साहन मिले, लेकिन यहाँ की जो राफ्टिंग एक्टिविटी है रियासी की, जो फन लविंग राफ्टिंग है, उसको भी प्रमोशन मिले और रियासी जो है वो एडवेंचर की एक्टिविटीज में आगे बढ़ता जाए। वोटर अवेयरनेस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसी के तहत राफ्टिंग भी इसमें करवाई जा रही है। रोमांच के साथ वोटर अवेयरनेस की जा रही है। DC रियासी विशेष पाल महाजन जी भी इसमें शामिल हुए हैं, और वो भी राफ्टिंग इस समय कर रहे हैं, और GDC रियासी के विद्यार्थी जो हैं, और इसके साथ ही एक कोर्स जो है वो यहाँ पे चल रहा है राफ्टिंग को लेकर, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राफ्टिंग इज अ उत्सव ओवर है ना, हम जगह को प्रमोट कर रहे हैं, एडवेंचर को प्रमोट कर रहे हैं, इनको फन लविंग गेम की तरफ लेके जा रहे हैं। उसी तरीके से हम आज अपने कुछ यंग वोटर्स, अगर आप पीछे देखेंगे कॉलेज के बच्चे आए हैं, कुछ इसमें से जैसे ये लड़का फर्स्ट टाइम वोटर है, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि वोटिंग इज नॉट समथिंग कि भाई लाइन में कौन खड़ा होगा, और लाइन में खड़े होने का भी एक मजा है। वहाँ पे आप इंतजार करते हैं, जब वो बटन दबाते हैं EVM के ऊपर और टू की आवाज़ आती है, जब आपका वोट कास्ट होता है, तो आपको एक तसल्ली मिलती है, आपको एक प्लेजर मिलता है कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। आपने वोट नहीं बनाया अभी तक? बना नहीं है सर। तो फिर वोटर क्यों नहीं, हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? कौन कौन नहीं है वो हाथ खड़ा कर? हाँ, वंडरफुल, दैट इज इट, दैट इज द स्पिरिट। और क्यों वोट करोगे, कभी सोचा वोट क्यों करोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम किसी को भी वोट करो, लेकिन वोट करना है देश की तरक्की में हिस्सेदारी का, एंड वोटिंग इज फन। इस राफ्टिंग के लिए मैं इसलिए लाया हूँ तुम लोगों को, जैसे ये राफ्टिंग फन होगा वैसे ही वोटिंग है। जब हम छोटे थे, जब पहली बार वोट करना, हमें लाइन में जाके वोट करना होता है, कौन है छुट्टी मनाते हैं, लेट सो के उठेंगे, छुट्टी जो है बड़ी भारी पड़ती है, ये वोट करिए। और अगर आपके जैसे ये कुछ चंद छोटे बच्चे जिन्होंने अपना वोट नहीं बनाया है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूँ, 2 दिन में आप हमारे कैंपेन लीडर्स होंगे। कोई भी आदमी किसी भी वजह से उसका वोट रह गया है, तो आप उसको बोलिए वो वोट बनाए। हमारा एक स्पेशल कैंप
हम आपके कॉलेजेस में लगवाते रहे हैं। कितने ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं ये तो सारे भाई हमें तो पैदल चलना पड़ेगा भाई विकास। अब तो फिर पैदल चलते हैं डर तो नहीं किसी को लग रहा है पूरे प्रिकॉशन लोगे। एक कैंपेन चलवा रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट ब्लॉक लेवल। क्यों? उसमें हमने कहा फिट बाइट फिट बॉडी फॉर अ हेल्दी वोटर एंड अ हेल्दी गवर्नमेंट। आप ठीक रहेंगे तो आप अपने मन का उपयोग करेंगे एक अच्छा वोट देने। आप हेल्दी रहेंगे तो आप वोट देने के लिए भी जाएंगे। राफ्टिंग के रोमांच के साथ जो वोटर अवेयरनेस है वो आज डिस्ट्रिक्ट रियासी में की जा रही है। रियासी के बारादरी चिनाब दरिया के किनारे क्या कार्यक्रम है ये और भविष्य में क्या कुछ कार्यक्रम वोटर अवेयरनेस को लेकर किए जाएंगे? यंग वोटर्स को ये बताना था कि वोटिंग क्यों जरूरी है और उनको ये भी बताना था कि वोटिंग एक फन है। तो आज मैंने कॉलेज के बच्चे और अपने कुछ नौजवान साथियों को जो ट्रेनिंग भी कर रहे थे उनको लाया है। हमने सारी प्रिकॉशंस लिए हैं। पहले बता दूं एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं यहाँ पे राफ्टिंग में। हम ये चाहते हैं कि नौजवान वोटर को ये लगे कि वोटिंग एक बड़ा फन है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो इंजॉय करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं देश की तरक्की के लिए। तो वही एक रीजन था हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को जोड़े हुए हैं फिट बॉडी फिट माइंड फॉर अ हेल्दी वोटर एंड अ हेल्दी डेमोक्रेसी। उसके अलावा हम नुक्कड़ नाटक और बाकी जो रूटीन की चीजें हैं उनके जरिए तो लोगों को बता ही रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जो हाई परसेंटेज ऑफ वोटर रियासी लीड करता रहा है हमेशा से वो इस साल भी करेगा। आप लोगों के माध्यम से जितने भी वोटर्स हैं 18 साल और उससे ऊपर उन सबको अपील करूंगा भारी संख्या में वोट के दिन मतदान के दिन घरों से निकलें वोट करें और देश की डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। सर आप खुद राफ्टिंग आज करेंगे और कौन कौन राफ्टिंग करेगा? जीडीसी के विद्यार्थी भी आज जीडीसी के विद्यार्थी हैं कुछ टीचर्स हैं हमारी टीम आई है जो यहाँ पे राफ्टिंग के लिए ट्रेन करी और मेरे ऑफिसर्स बहुत सारे ये नौजवान ऑफिसर्स आप देखेंगे ये सब आज आए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ना केवल वोटर्स को प्रोत्साहन मिले लेकिन यहाँ की जो राफ्टिंग एक्टिविटी है रियासी की जो फन लविंग राफ्टिंग है उसको भी प्रमोशन मिले और रियासी जो है वो एडवेंचर की एक्टिविटीज में आगे बढ़ता जाए। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस और क्या कुछ जानकारी आपको इस कार्यक्रम के तहत दी गई और रोमांच जो था राफ्टिंग का और अवेयरनेस दोनों को मिक्स करके ये कार्यक्रम चलाया गया था क्या समझ आया आज के कार्यक्रम में आपको? आज के कार्यक्रम में हम तो जीडीसी रियासी कॉलेज के बच्चे सारे आए एनसीसी कैडेट्स कुछ एनएसएस कैडेट्स आए हैं और हमें यहाँ पे डीसी सर मिले उन्होंने हमें राफ्टिंग का तो जो रहा हमारा और साथ में वोटिंग का बताया उन्होंने कि सबके लिए वोट देना जरूरी है एक वोट भी अच्छे नेता को चुनने में मदद कर सकता है इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है और साथ में हमने राफ्टिंग की बहुत एंजॉय भी किया साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। जय हिंद। मैं कैडेट वीरेंद्र सिंह जीडीसी रियासी से। आज का हमारा प्रोग्राम था राफ्टिंग का जो हमारे साहब जी ने रखा था यहाँ पे सबसे मेन एम जो हमारा था वोट के लिए वोट पहला वोट हमारे देश के नाम हम वोट युवाओं को वोट इसलिए देना जरूरी है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं हमें पता है कि हमारा राइट क्या है हमें हमारे भले के लिए सोचना है तो हमें कोई नेता पढ़ा लिखा नेता चुनना चाहिए। हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हमें सही नेता को चुनना है जो हमारे देश का विकास करे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं विकसित भारत कैसे बनेगा जब तक हमारे नेता ही इस चीज़ से वो नहीं होंगे जागरूक नहीं होंगे जब हमारा युवा जागरूक होगा तो हम पढ़ लिख के इस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहिए। उसे राफ्टिंग के साथ भी जोड़ा गया था तो राफ्टिंग एक मनोरंजन का वो था जरिया था तो ज़्यादा अच्छे से समझ आया आपको जी, थोड़ा रोमांचित भी हुए थे कि बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे हमारे चिनाब में जो हम राफ्टिंग का अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस भी बन सकती है बहुत मज़ा आया। राफ्टिंग की है इससे पहले? हाँ मैं एक बार पहले भी SDRF कैंप में हमने राफ्टिंग कर चुका हूँ मैं यहाँ पे दूसरी टाइम किया मैंने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का हमारी एसोसिएशन है जम्मू राफ्टिंग एसोसिएशन और कुछ दिन पहले हमने ऑफिस में जाके उनके साथ एक मुलाकात की थी और सर ने हमें प्रॉमिस किया था कि 16 तारीख सुबह 9 बजे आएंगे और एक इवेंट यहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसी के तहत आज यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं सब मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ थैंकफुल हूँ कि आप लोग भी आए आप लोगों ने भी राफ्टिंग को इन्जॉय किया और इस इवेंट को कवर किया। इसी तरीके से मिलजुल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जम्मू राफ्टिंग एसोसिएशन और यहाँ की मीडिया हम सबको मिलजुल के इस जगह को हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो गई है लेकिन इसको हमें वन ऑफ द बेस्ट राफ्टिंग डेस्टिनेशन जो है वो बनाना है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। स्वीप का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा गया था
उस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज है कि जब इस तरीके की गैदरिंग्स होती हैं इसके बीच में अच्छे मैसेज। देखिए हम लोग एडवेंचर टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जब भी इस तरीके के इवेंट्स हों तो हम इसके साथ कुछ पॉजिटिव मैसेज भी सोसाइटी को दें। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था और हमारे दो दो काम हो गए, एक तीर से दो निशाने हो गए, हमारे वोटर्स जो हैं वो भी जागरूक होंगे और हमारा एडवेंचर टूरिज्म जो है वो भी प्रमोट होगा। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी कि स्वीप के तहत आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में राफ्टिंग भी करवाई गई, यानी कि राफ्टिंग के रोमांच के साथ वोटर्स को अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम था और रोमांच के साथ साथ अवेयरनेस भी दी गई। ये कार्यक्रम जो है रियासी के बारादरी में चिनाब दरिया के किनारे किया गया और उसके बाद चिनाब दरिया पर राफ्टिंग भी करवाई गई। जीडीसी रियासी के करीब 25-30 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए। इसके साथ ही एक कोर्स जो राफ्टिंग की ट्रेनिंग को लेकर है वो भी चल रहा था, वो लोग भी शामिल हुए और जो राफ्टिंग एसोसिएशन के लोग हैं वो इसमें शामिल हुए और विद्यार्थियों ने अधिकारियों ने राफ्टिंग भी की। डीसी रियासी विशेष पाल महाजन मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने जीडीसी के विद्यार्थियों को नए वोटर्स को खास तौर पर अपने वोट के अधिकार को लेकर जागरूक किया।